सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम चाहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लेना है तो सबसे पहले पूछना है कि मेरे जिंदगी के ऑब्जेक्टिव क्या है यह जीवन हमारा एक गिफ्ट है द बिगेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिंग टू आस इज द गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ हमारा जीवन ही सबसे बड़ा गिफ्ट है सबसे पहले जो भी काम हम करें उसमें हैप्पीनेस को एक प्रायोरिटी दें प्लेजर हैप्पीनेस ऐसा नहीं कि हम किसी को छोड़ सकते हैं लेकिन प्लेजर क्या है इट इज़ कंडीशनल मे बी टेम्प्ररी आपके आपने आपकी इच्छा थी एक खूबसूरत मोबाइल लेने का मोबाइल फोन ले लिया आपने इन्जॉय किया अच्छा लगा एक दिन मोबाइल खो गया तो क्या हुआ वो प्लेजर जो आया था वो प्लेजर चला गया क्योंकि वो उससे रिलेटेड था कंडीशनल था राइट right? आपके ज़िंदगी में कोई इंसान मिला अच्छा लगा अच्छी बात हुई अच्छी बातें की प्लेजर मिला उसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत बात कर दी आपका प्लेजर चला गया राइट right? ये इसका मतलब है कि प्लेजर हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता है कंडीशनल है हैप्पीनेस के साथ बिल्कुल डिफरेंट है हैप्पीनेस जो है वो आपका इंटरनल है अंदर की चीजें हैं आपकी चॉइस है जितने देर हम अपने को दुखी करते हैं तो हमारा मेंटल हरासमेंट होता है हमारी इंटेलिजेंस कमजोर होती है और हम जो अच्छे प्रोडक्टिव काम हो सकता है करना चाहेंगे एक विषय वस्तु तो हमें दुखी करके बैठ कर गया और दस इंपॉर्टेंट काम हमारे छूट जाएंगे राइट तो उस चीज को मैनेज करना समझना यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की दिमागी शांति से बड़ी चीज और क्या हो सकती है आपके सामने खाना रखा हुआ है बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है आपका दिमाग अशांत है कहीं और भटक रहा है उस खाने का आनंद ले सकते हो क्या नहीं ले कब पेट में चला गया और कब एसिडिटी शुरू हो गई पता भी नहीं चलेगा खा लिया टेंशन में खाए जा रहे हैं आप फोन पे लड़ रहे हैं टेंशन कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं तो जो प्रकृति ने खाना दिया है उसका स्वाद तो लिया ही नहीं आपने उसी प्रकार से आप कई बार जंगलों अपने खूबसूरत पेड़ पौधे के बीच से गुजर जाते हैं रोज गुजरते हैं आपको ये भी नहीं पता हो कि इतना खूबसूरत या फूल भी था इतने अच्छे पौधे भी थे क्यों नहीं था क्योंकि मेंटल पीस नहीं था हम फोकस नहीं थे और ये जो चॉइस है मेंटल पीस ये डिपेंड करता है कि आप लगातार इंटरनल थिंकिंग क्या कर रहे हैं एंड आपका फिजिकल कंडीशन क्या है वातावरण और इंटरनल थिंकिंग कम्युनिकेशन और इन इस कम्युनिकेशन को जो इंसान सही करता है वो उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और इसीलिए मेडिटेशन के लिए, लिए सलाह दी जाती है आप मेडिटेशन सीखें कि कैसे डायरेक्टेड थिंकिंग कर सकते हो कैसे कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग कर सकते हो कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं राइट इसलिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेंटल पीस आपको ये सीखना है आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपके मस्तिष्क है यदि मस्तिष्क को नेविगेट करना आया अपने च्वाइस से आप पहुँचाना आया तो आप सूरज में पहुंच जाओगे आप चांद में पहुंच जाओगे जहां तक नेविगेट कर पाओगे वहां तक पहुंच जाओगे राइट आज तक जहां तक इंसान पहुंचा है वो दिमाग का नेविगेशन नेविगेशन समझते हैं कि अपने माइंड का नेविगेटर खुद बनना है आसान नहीं होता थोड़ा देर जाता है फिर इधर भड़क जाता है फिर इधर भटक जाता है जो जितना आगे बढ़ा है अपने लाइफ में वो वो इंसान है जो अपने दिमाग को वहां तक नेविगेट करके पहुंचा सकता है राइट तो वर्क ऑन योर मेंटल पीस अपनी मेंटल पीस के ऊपर में करने का मतलब है अपने माइंड को कमांड में लेने की कोशिश चॉइसिस और ये एक अभ्यास है ये एक अभ्यास है मन जो है बहुत चंचल है गीता में लॉर्ड कृष्ण ने कहा कि जो मन है वो नवजात जो नया बा, बालक जो घोड़ा होता है उसके समान है जो नया नया जब घोड़ा होता है तो उसके ऊपर जब उसका सवारी जाता है तो उसको बार बार गिराता है बार बार गिराता है फिर घोड़सवार चढ़ता है फिर घोड़सवार चढ़ता है चोट भी लगती है पर एक दिन आता है जब उसको आराम से हाथ छोड़कर उस उसमें सवारी करता है राइट आपके मन भी इसी प्रकार से जिस दिन अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ग्रो करोगे इसलिए रोज अपने मन के घोड़े पे रोज सवार हो उसको रोको तुमको यहीं जाना है यहीं जाना है और इसी डायरेक्शन में जाना है उसका स्वामी बन के चलो तुम घोड़े को अपना मालिक बद कुछ मनु को का मालिक बद बनाओ मन को तुम दास बनाओ तुम मन के दास नहीं बनो Thank you for watching Success Guru AK Mishra YouTube channel. For more motivation and upcoming videos, subscribe to our channel and press the bell icon.